प्रस्ताव ने नगरपालिका का संपत्ति पुनर्मूल्यांकन हर 4 वर्ष में होना तय है तथा नगर प्रशासन, सत्ताधारी विपक्ष एवं नगर के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर इसका हल निकाला जाता है। जहां पुराने मकान, प्लॉट, भूखंड आदि अंचल संपत्ति 10-15% की टैक्स वृद्धि तथा नए निर्माणों पर नगर रचना के तय मानकों के मुताबिक टैक्स निर्धारित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष होने वाली संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन में नए पुराने सभी का एक साथ नए नियम कायदों से पूर्ण मूल्यांकन होने से संपत्ति धारकों को टैक्स बढ़ने की चिंता सताने लगी है। पिछले 2 वर्ष कोरोना का दंश झेलकर जैसे तैसे कुछ आर्थिक हालात सुधारने की आस बनी नहीं कि भारी बारिश के चलते फिर स्थिति जैसे थे बन गई और आर्थिक संकट से जूझ रहे नगरवासियों के हालात अब दुबले पर दो आषाढ़ वाले चरितार्थ होने के है। साथ ही फरवरी 2022 से नगर अध्यक्ष सहित सभी नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब से नगर पालिका सावनेर में प्रशासकीय राज जारी है। ऐसे में नगरवासी अपना दुखड़ा और दर्द किसे सुनाए। नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर सेवकों के अधीन अब कुछ नहीं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज सेवी भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। दरअसल सावनेर नगर पालिका ने इस बार नगर पालिका की जो प्रॉपर्टी है उसका पुनर्मूल्यांकन का काम दिया है ठेकेदार के माध्यम से। फिर से पूरे गांव का सर्वे होगा और टैक्स जो लोगों पर टैक्स बैठेगा वो डबल ट्रिपल और बढ़ जाएगा। इसके पहले भी ऐसे ही हुआ है, जब भी पुनर्मूल्यांकन किसी प्राइवेट ठेकेदार को दिया है उन्होंने 100 रुपये का टैक्स 1000 रुपये पर ले जाके पहुँचाया है। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि ये अभी कोरोना का लोग भुगत चुके हैं, उसके बाद लोगों अतिवृष्टि जो हुआ है, इतना बारिश आई है उसके वजह से फसल खराब हुई है, लोग बहुत अड़चन में हैं और फिर से अभी 4 साल पहले लोग भुगत चुके हैं वही बात, और अगर 100 रुपये अभी जो 1000 रुपये हुआ उसका 4000 रुपये टैक्स होगा लोग भर नहीं पाएंगे। लोगों की परिस्थिति अभी है नहीं, लोगों की आर्थिक परिस्थिति कमकुवत हो गई है, इसलिए हमारी मांग है कि ये जो पुनर्मूल्यांकन है ये किसी ठेकेदार के माध्यम से ना करे, नगर पालिका के कर्मचारी है उनके माध्यम से करें। उसके लिए भी ऐसा है कि अभी नगर पालिका की बॉडी नहीं है, नगर पालिका में जो बॉडी बन के आएंगी उनका ठहराव हो, वो लोगों के लिए क्या चाहते हैं, पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं या कुछ नॉमिनल 10-5% टैक्स बढ़ा के ले सकते हैं। यही हमारा कहना है, यही ठहराव भी हो चुका है नगर पालिका के मेंबर द्वारा कि जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दो, उसका टैक्स नियमित जो 10% बढ़ाना है वो बढ़ाओ, जो नई प्रॉपर्टी, जो नए मकान बने उनका पुनर्मूल्यांकन करो, उनको टैक्स लगाओ, वो एक हद तक ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने ठेकेदार के माध्यम से जो बढ़ाने का प्रस्ताव किया, इसके पहले 4 साल पहले 600 रुपये के पहले कम से भी कम हुआ था, मेरे ख्याल से 200 रुपये पर घर के हिसाब से मूल्यांकन हुआ था। इस बार इन्होंने ठहराव करके 600 रुपये के हिसाब से ठेकेदार को काम दिया है, लगभग 80 लाख रुपये होता है। 80 लाख रुपये नगर पालिका कहाँ से देंगी, ये पैसा लोगों के ऊपर टैक्स के तरीके से ही लादा जाए। हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए कलेक्टर, मिनिस्टर, मंत्रालय और गरज पड़ी तो कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन हम आज आपको शब्द देते हैं कि ये जो टैक्स वृद्धि है ये कैंसिल करके ही दम मारेंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टैक्स वृद्धि ही जी हा जो प्रकार है हा मागच्या वेळेस करण्यात आलेला होता, भर कोरोनामध्ये जेव्हा लोकांची परिस्थिती खराब होती, ज्यावेळेस पैशाचा तर विषयच नव्हता, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा विषय असा झाला की टॅक्स वृद्धी करण्याची हद म्हणजे लिमिट पार करण्यात आली, ज्याचे 2000 होते त्याचे 6000 रुपये, 7000, 10000 असे वाढवण्यात आलेले होते। त्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम लोकांनी अपील केली। सगळ्यात मोठा विषय असा आहे मागच्या वेळेसचा की अजूनही त्याच्यामध्ये बसलेल्या कमिटीचा निर्णय झालेलाच नाही आहे, तरी चुकीच्या पद्धतीने यांनी टॅक्स वसुली आतापर्यंत करण्यात आलेली आहे, आणि त्यातच पुन्हा आता जो करण्यात आलेला आहे ज्यावर त्याचाच निर्णय लागलेला नाही तर दुसरं घेताच येत नाही यांना पुरून। आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही आहे, कारण हे कोणी हे सगळे काय म्हणते प्रशासन आता मुद्दाड बनलेलं आहे, लोकांना लुटण्याचे काम सुरू केलेलं आहे या लोकांनी, याच्यामध्ये आंदोलनाशिवाय काहीही पर्याय उरलेला नाही। काही पर्याय उरलेला। NBC न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले।